ओम शांति। शांत मन, सजग मन, संपूर्ण होश, स्थिर चेतना, हिमाच्छादित हिमालय का शिखर, ऐसे शरीर स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त, संपूर्ण शरीर शिथिल, आंखें बंद और एक बार अपने शरीर का अवलोकन करेंगे, बॉडी स्कैनिंग ऊपर से नीचे तक, चेहरा रिलैक्स, राइट हैंड रिलैक्स, लेफ्ट हैंड रिलैक्स, ढीला छोड़ते जाओ, छाती पेट मन को वहां वहां ले जाना है, पीठ कमर, दाया पैर उंगलियों तक, बाया पैर उंगलियों तक, फिर से संपूर्ण शरीर को देखेंगे, सिर के सिरे से पांव तक, चेहरा छाती हाथ पेट पीठ कमर पैर, सूक्ष्म तरंगों को महसूस करेंगे जो शरीर पर है। शरीर पर उत्पन्न होने वाली ये तरंगे अवचेतन मन से जुड़ी हुई है। शरीर का कोई भी अंग ना रहे जहां से हमने मन को ना गुजारा हो। फिर से सिर के सिरे से पांव तक शरीर को देखना, मन को गुजारना, शरीर जैसे है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे, कपड़ों का हो रहा स्पर्श महसूस करेंगे, सेंसेशंस,
त्रिकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित कर स्वयं को स्वयं स्वरूप को देखेंगे, चमकता हीरा। मुझात्मा का प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, छाती में, पेट में, हाथों में, पैरों में, पूरा शरीर जगमगा रहा है। इसी अवस्था में सूक्ष्म शरीर धारण कर मैं आत्मा शरीर से बाहर निकल पहुंच गई सूक्ष्म वतन। सभी आंखें खोलेंगे और अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। अपलक नयन, सतत दृष्टि, बाबा के नैनों से अनंत शक्तियों की धाराएं बह रही है। मौन बाप दादा अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहे हैं। विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। शरीर का कोई भान नहीं, मैं फरिश्ता हूं। धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं बाबा की कुटिया में। बाबा अब तक जो कुछ भी किया या तुमने कराया वो सब कुछ तुम्हारे सामने स्वाहा करता हूं। सब कुछ समर्पण। अच्छा बुरा जो कुछ है सब बाबा का कमरा। ब्रह्मा बाप के सारे वाइब्रेशंस वहां भरे हुए हैं। न मालूम यज्ञ इतिहास में कितनी महान आत्माएं यहां आई और बाबा से पालना ली। कितनी घटनाएं इस छोटे से कमरे में हुई।
हिस्ट्री हॉल। ब्रह्मा बैठा है, शिव उसके तन में साकार मुरली चल रही, मैं आत्मा सुन रही हूं। शांति स्तंभ, दिव्य और सूक्ष्म प्रकंपन मेरे अंग अंग में भरते जा रहे हैं, सारा शरीर मन शक्तिशाली हो रहा है। शरीर के और मन के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं। मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में हूं, साक्षी होकर देख रहा हूं कितनी महान आत्माएं घूम रही है। अब उड़कर आकाश में और पहुंच जाओ अपने शहर के ऊपर। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें पूरे शहर पर पड़ रही है, एक एक आत्मा पावन हो रही है। अब इसी अवस्था में संपूर्ण मौन में और बिना आवाज की सभी अब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। स्थिर और अब बहुत धीरे से आत्मिक दृष्टि में स्थित होते हुए अपने ही स्थान में इतना धीरे से गोल घूमेंगे, सबको आत्मा देखते हुए क्लॉकवाइज बहुत धीरे, कोई देखे तो पता ही ना चले घूम रहे। चमकती हुई मणियां हैं, बहुत धीरे मणियों का आगार है, परमधाम यहां अवतरित हुआ है। बहुत धीरे सेकंड राउंड, मुझे आत्मा से किरणें निकल रही है। आत्माओं को करंट देना है, थर्ड राउंड, जहां जहां दृष्टि जा रही है शक्तियां जा रही है। बाबा की तरफ देखते रहेंगे, सामने और धीरे से अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, दो हाथ से दो व्यक्तियों का हाथ हमारी तरफ देखते हुए एक रो बनेगी, एक रो बनेगी। इस तरह ह्यूमन चेन आंखें बंद, मेरे संपूर्ण शरीर में प्यूरिटी की पावर, शरीर शिथिल हल्का, मैं परम पवित्र योगी हूं।
मेरे अंग अंग में। पवित्रता समाई हुई है, शरीर ढीला, मेरे हाथों से प्यूरिटी की किरणें इन दो आत्माओं को जा रही है, प्यूरिटी की किरणें मेरे दो हाथों से मुझ में आ रही है। पवित्रता का एक वर्तुल, एक चेन सारे हॉल में, एक अजीब सा वायुमंडल, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारिणी हूँ, महातपस्विनी महायोगिनी हूँ। मन के सारे विकार नष्ट हुए, रोम रोम में पवित्रता की सुगंध है। मेरा जीवन अत्यंत निर्मल और पवित्र है। आंखें खोलेंगे, हाथ छोड़ देंगे और धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, बाबा से दृष्टि लेते रहेंगे। पवित्रता का सागर सामने है, पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही, मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें चहुओं ओर फैल रही है। मैं सृष्टि का केंद्र हूं, एक एक आत्मा तक, सृष्टि के एक एक कण तक मेरी किरणें पहुंच रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। धाम से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर छत्र छाया है, वर्षा हो रही है। द रेन ऑफ प्यूरिटी अपॉन मी।